फ्रेंड, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल बनी हुई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम वजाद है, मेरे साथ मेरे नदीम। तो आज का वीडियो जो के होने वाला है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस पे, कौन बनेगा करोड़पति विनर लिस्ट, 7 करोड़पति विनर्स, कौन बनेगा करोड़पति। तो करोड़पति की लिस्ट होने वाली कि कौन इंडिया में, मतलब कौन बनेगा करोड़पति के शो में जीता है। तो बहुत एक्साइटेड वीडियो होने वाली है कि रातों रात किसकी दुनिया यूं मिनटों में चमकी है। अच्छा, तो मिलके देखते हैं, मिलके देखते हैं। एक तो हमें याद है, एक सीजन मैंने देखा था उसका, एक था कि उसने फिर अपने ऊपर पानी फेंक दिया था, 5 करोड़ वो जो जीता था, वो हमें याद है। लेकिन उसके बाद मैंने कोई सीजन नहीं देखा। तो मिलकर देखते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वो काफी पुराना विनर था, तो उन्हें बच्चे छोटा था तो मैंने देखा था। और इन्हें लिंक इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन। इंडिया में बहुत ये शो बड़ा देखा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौन बनेगा करोड़पति में कितने लोगों ने जैकपॉट क्वेश्चन का आंसर दिया है, मीन्स हाईएस्ट प्राइज मनी कितने लोगों ने जीता है और उनका नाम क्या है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा केबीसी में किन किन लोगों ने हाईएस्ट प्राइज मनी जीता है। रातों रात दुनिया चेंज हुई है, रातों रात करोड़पति बन गए, खुशी हो गए ना, एक नॉर्मल बंदा। दोस्तों, केबीसी सीजन 1 स्टार्ट हुआ था 3 जुलाई 2000 को, और उस सीजन में हाईएस्ट प्राइज मनी थी 1 करोड़ रुपए। अच्छा, और केबीसी के मंच पर पहले करोड़पति बनने वाले कंटेस्टेंट का नाम है हर्षवर्धन नवथे। उनका कोई क्लिप नहीं है अभी मेरे पास, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। और उनके अलावा उस सीजन में कोई भी करोड़पति नहीं बना, मतलब नहीं बना था। उसके बाद 2001 में स्टार्ट हुआ, 2000 में 1 करोड़ निकला था उसका, जिसमें हाईएस्ट प्राइज मनी 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया था। सही है यार। उस सीजन में किसी ने केबीसी के मंच से 2 करोड़ रुपए नहीं जीता। ओ, कम जीते होंगे ज्यादा। सीजन 3 स्टार्ट हुआ 2007 में, जिसको कि शाहरुख खान ने होस्ट किया था, पर उसमें भी किसी ने हाईएस्ट प्राइज मनी को टच नहीं किया, मीन्स कोई भी जैकपॉट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए और करोड़पति नहीं बन पाए। अच्छा। फिर उसके बाद 2010 में स्टार्ट हुआ केबीसी सीजन 4, जिसमें हाईएस्ट प्राइज मनी 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया था, 5 करोड़ का। और उस सीजन में वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया था। यार। फिर उसके बाद 2011 में स्टार्ट हुआ केबीसी सीजन 5, और उसमें भी हाईएस्ट प्राइज मनी था 5 करोड़ रुपए। अच्छा, और केबीसी के इतिहास में पहले 5 करोड़। ये था वो क्लिप जिसने अपने ऊपर पानी डाला था, याद आया मुझे। सुशील कुमार जी, अब इसका आ रहा है, बिल्कुल 5 करोड़ रुपए याद आ रहा है ना? ये बिल्कुल याद आ रहा है, ये वही होगा आई थिंक। स्क्रीन के ऊपर ये रहा, October 16, 1868 को अंग्रेजों के हाथों निकोबार द्वीप समूह बेचने के बाद भारत से किस औपनिवेश शक्ति का अंत हो गया था? Which colonial power ended its involvement in India by selling the rights of the coffee होता है बाबा to the British? बहुत मुश्किल होता है ना, सोच में पड़ जाता है कि गलती हो जाए तो गया पैसा गया। और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए बेल्जियम, बेल्जियम, बी इटली, अमिताभ बच्चन के सामने बैठना भी बहुत बड़ी बात है। आपके पास केवल 2 लाइफलाइन बची हैं, आप कभी भी गेम क्विट कर सकते हैं। सर, कौन सा फ्रेंड का यूज करना चाहते हैं? कौन सा फ्रेंड, इसका सही उत्तर नहीं मालूम। नहीं, कबीर जी, सुशील कुमार जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हम सर श्याम किशोर प्रसाद के पास बात करना चाहेंगे उनसे। ऑलराइट, कबीर जी, सुशील कुमार जी, श्याम किशोर, पापा जारी बात है, 5 करोड़ का सवाल है, फोन लगाया जाए। आपके पास अब 1 लाइफलाइन बची है, डबल डिप, जो यही मतलब उसको नहीं पता था। इटली आया नहीं, फ्रांस गया नहीं, तो फिर यही दोनों ना सर।
अगर आपके मन के अंदर आपको लग रहा है कि यही दोनों बच्चे हैं तो आप डबल डिप खेल सकते हैं। बेल्जियम आया नहीं, फ्रांस गया नहीं। कंप्यूटर जी, सुशील कुमार जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन। यार बहुत सही गेम खेल गया, लाइफलाइन बची थी, इस्तेमाल की है ना। सुशील कुमार जी, कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। गेम अब आप क्विट नहीं कर सकते हैं, आपको खेलना ही पड़ेगा। आपको दो अवसर मिलेंगे सही उत्तर देने के लिए। यह है प्रश्न 5 करोड़ रुपए का। 5 करोड़ पहला उत्तर बताइए। बोला था डेनमार्क। कंप्यूटर जी, सही डेनमार्क पे ताला लगाया जाए। बंदे का क्या हाल होगा, वो देखे ना दिल धक 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 कहां पर है भाई, घर वाले लग गए। ओ ये वाला है, देखा ये वही था, यही चीज बिल्कुल याद आया, याद आ गया, हमने ये सीजन देखा था भाई। मजा दे, इसके दिल का हाल पता होगा इसने जीता। ओए होए है भी गरीब आदमी, हां नॉर्मल ही लग रहा, कोई अमीर से नहीं। करोड़पति बन गया वो भी, 5 करोड़, और पाकिस्तानी तो 10 करोड़ बनते। और वो तो तब और वो पैसे में पावर था। स्टार्ट हुआ 2012 में केबीसी सिक्स, हमने देखा था सीजन। हाईएस्ट प्राइज मनी था 5 करोड़ रुपए, और उसमें भी केवल एक ही कंटेस्टेंट ने जीता था 5 करोड़ रुपए, जिनका नाम है सुनमीत कौर। अच्छा लड़की, उनकी भी एक छोटी सी क्लिप आप देख सकते हैं। अभी क्लिप देखेंगे। आए हाय, डबल डिप लेना था। अच्छा इसके पास भी डबल डिप था। ये डबल डिप लेकर के आपका उत्तर सही हो गया तो सन्मीत जी आप जीतेंगी 5 करोड़। इन दोनों में से अगर उत्तर हो गया गलत, आप नीचे आ जाइएगी 1,60,000 रुपए। 1,60,000 कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 7 2013 में, और उसमें भी हाईएस्ट प्राइज मनी था 5 करोड़ रुपए, और उस सीजन में वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, इसीलिए किसी का नाम भी इस वीडियो में नहीं है। ही बैड जोक। 2014 में कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 8 स्टार्ट हुआ, जिसमें हाईएस्ट प्राइज मनी 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दिया गया, और केबीसी के इतिहास में अभी तक के पहले और आखिरी 7 करोड़ के विजेता हैं अचिन और सार्थक नरोला, जिनकी भी विनिंग मोमेंट की क्लिप आप देख सकते हैं। बिल्कुल अभी क्लिप इनका है। स्टार्ट हुआ केबीसी सीजन 8, 17 में सीजन 9, 18 में सीजन 10 और 19 में सीजन 11 जो कि अभी चल रहा है, और अफसोस किसी ने अभी तक इन चारों सीजन में 7 करोड़ रुपए नहीं जीता है। जरा सही है, उम्मीद है आगे जीत जाए या शायद मैं ही जीत जाऊं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा इसीलिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहूंगा, और वो सरप्राइज ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। विकास अंकुर क्या हो गया तुम्हें? अच्छा अभी ठीक हो, रेडी हो अंकुर? हाँ सर रेडी। ओके विकास, अंकुर तुम दोनों का 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। लोदी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खान लोदी। लोदी साम्राज्य की स्थापना 1451 में इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खान लोदी। लोदी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी, बहलोल, इब्राहिम, बहलोल, सिकंदर, दौलत खान। सिकंदर लोदी, आई एम डैम श्योर, जस्ट गेट इट प्लीज। सिकंदर या लोदी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम, बहलोल, सिकंदर, दौलत खान। इब्राहिम लोदी 100% आप। सिकंदर नो, इब्राहिम। उसको कंफ्यूज कर गया, क्या बोला सर उसने? ये किस प्रकार का दोस्त है, कहता है पहले सिकंदर लोदी कंफर्म है, फिर जानते जानते कहता है इब्राहिम लोदी। अच्छा दोस्त है। दोस्त भी हरामी होते हैं ना। और इधर ये वीडियो खत्म। ओ भाई ऐसा होता है भाई, बहुत होता है। अब आते हैं यार अपने रिव्यू पे। तो पापा मतलब के
आज तक सिर्फ तीन लोग जीत चुके हैं। बिल्कुल, मतलब नहीं चार लोग, वो एक करोड़ एक ने जीता था, एक ने 5 करोड़, वो हमने सीजन देखा था, और एक ने फिर 5 करोड़ फिर जीता वो सौरत ने, और एक ने फिर जीते 7 करोड़। तो भाई देख के पापा इन चार लोगों की जिंदगियां बदली हैं। बिल्कुल, और बीच में औरों की भी हुआ होगा, किसी ने 1 करोड़ जीता होगा, किसी ने 50 लाख जीता होगा, जाहरी बात है वो छोटे छोटे भी होते हैं। हाँ, ये तो टॉप तक गए होंगे ना, किसी ने 3 करोड़ भी जीता होगा, 3 करोड़ तक भी लोग खेल जाते हैं। मैंने देखा जिसने वो 5 करोड़ जिसने सर पे पानी डाला था, उसकी खुशी की इंतजार मैंने देखी। वो तो पापा जी देखे, ये चुटकी मारी और वो बन गया करोड़पति। बिल्कुल, लेकिन उसने दिमाग भी अपना बहुत यूज किया, दिमाग का गेम किया है। तो आज वो पता नहीं किस मकाम पे होगा, वो क्या पता कर रहा होगा। आप लोगों को अगर पता तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताना, क्यों बाबा? बिल्कुल, कोई कारोबार कर रहा है या स्टडी कर रहा है, स्टडी किधर कर रहा है, या कोई वो कॉलेज खोला हुआ है, या कोई लेक्चर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। वो तो एक अपना है ना, लेकिन अब इतना पैसा आने के बाद अपने काम को बिल्कुल कारोबार ही कर सकता है। बिल्कुल, और बकाया वो जो आखिरी में फनी सीन था वो काफी अच्छा था। फ्रेंड कहते इब्राहिम, फिर कहता सिकंदर, और भाई उसको तूने कंफ्यूज कर दिया, वो बंदा कहाँ पे जाए बेचारा। अभी तक भेजा दिए, ये रकम इन्होंने बढ़ा दी है 7 करोड़ का। 7 करोड़ अभी तक 7 करोड़ को कोई हाथ नहीं लगा सका। एक ने, दो ने लगाया ना। अच्छा, लगा लिया। हाँ, तो वो बताया नहीं था। सात और दो ने, दो लड़के बंदों ने जीता था जो बिल्कुल वो इसके बाद कोई नहीं, इसके बाद अभी तक कोई नहीं। वो तो जहरी बात है, छोटे वो थोड़ा बहुत, किसी ने 50 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 1 करोड़ 2 करोड़, वो तो जीता होगा। इंडिया का ये पहला प्रोग्राम है करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, जो मेहताब साहब चला रहे हैं। मिनटों में बंदा पैसे कमाता है इसमें, तो सही है यार। इसमें वजह वही आदमी शिरकत कर सकता है जो बहुत ज़हीन और लायक हो। तो क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं फिरा के, जिसको इंडिया के बारे में सबसे ज्यादा पता हो, सबसे ज्यादा ज़हीन आदमी हो, बिल्कुल इंटेलिजेंट। बिल्कुल, तो यार आप लोग बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।